चाहे आप मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हो, चाहे आप पीसी से लाइव स्ट्रीम करते हो, हर लाइव स्ट्रीमर अपनी लाइव स्ट्रीम पे अलर्ट जरूर ऐड करना चाहता है, जिससे कि कोई भी एक्टिविटी हो उसके चैनल पे, अगर उसके लाइव स्ट्रीम के दौरान कोई भी उसको सब्सक्राइब करे, कोई भी न्यू व्यूअर, या फिर उसको कोई सुपर चैट करे, या फिर कोई मेंबरशिप ज्वाइन करे, तो उसका अलर्ट है, उसको भी पता चले कि किसने सब्सक्राइब किया है, और बाकी सारे व्यूअर्स को भी पता चले कि किसने सब्सक्राइब किया है, और जिसने सब्सक्राइब किया उसको भी पता चले कि उसने सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू हो जरा सा, है ना, क्योंकि ये देख के बाकी व्यूअर्स को भी लगता है भाई जब ये बंदे ने सब्सक्राइब किया तो क्यों ना मैं भी सब्सक्राइब कर लूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अलर्ट ऐड करने से काफी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइव स्ट्रीम पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि कैसे आप लोग चैट अलर्ट्स ऐड कर सकते हो अपने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे, मतलब कोई भी न्यू व्यूअर अगर आपको सब्सक्राइब वगैरह करेगा तो उसकी जो अलर्ट्स रहेगी वो आपके चैट में आएगी कुछ इस प्रकार से। तो मतलब कुछ ऐसा लिख के आएगा वहां पे थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, उसका नाम, तो ये देख के आपको भी पता चलेगा कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है और आपके व्यूवर्स को भी। अब ये खास तौर पे ना मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स के लिए बहुत ही सही चीज है, क्योंकि इसको ऐड करना और इसको ऑन करना बहुत ही सिंपल है, और वो ऑन स्क्रीन अलर्ट्स ऐड करने से इसमें कोई भी झंझट नहीं है। तो इसको एक बार आप अपने यूट्यूब अकाउंट से कनेक्ट कर दो, अपने यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद ऑन कर दो इसको, सही से सेटअप एक बार आपने कर दिया, उसके बाद आप किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से लाइव स्ट्रीम करो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर से लाइव स्ट्रीम करो, पीसी से, कहीं से भी लाइव स्ट्रीम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलर्ट्स आपके चैट में मिल जाएंगे जब भी कोई सब्सक्राइब करेगा। तो चलो सीधे बताता हूँ कैसे ऐड करना है ये चीज को, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो सारी स्टेप्स मैं मोबाइल पे बताता हूँ आप लोगों को, सो दैट सबके लिए इजी रहे और कोई भी इसको कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों को मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें आपको जाना है streamelements.com की वेबसाइट पे, streamelements.com, ये वेबसाइट आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप जा सकते हो। तो आपको लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पे YouTube से लॉगिन कर लेना है, वही YouTube चैनल से जो YouTube चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम करते हो। तो यहाँ पे मैं YouTube पे क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ अपने उसी YouTube चैनल से जिसपे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा यहाँ पे, उसका होम स्क्रीन। तो यहाँ पे आप इजी काम करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, ऊपर 3 डॉट्स पे अपने ब्राउजर में क्लिक करो, अपने ब्राउजर के 3 डॉट्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लो, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, सो दैट इजी रहे, सब समझ में आए, डेस्कटॉप यूजर को भी समझ में आए और मोबाइल यूजर को भी समझ में आए। यहाँ पे मैं फिर से अपना वही चैनल सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मतलब वो लॉगिन हो रहा है फिर से, हो सकता है आपको फिर से लॉगिन ना करना पड़े, मुझे करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप साइड करने के बाद। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि वो जो ऊपर 3 लाइंस दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, यहाँ जो 3 लाइंस दिखाई देती है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा बॉट वाले सेक्शन में। देखो यहाँ पे बॉट वाला दिखाई दे रहा है ना, बॉट लिख के बॉट पे क्लिक करो, मॉड्यूल्स दिखाई देगा, मॉड्यूल्स पे क्लिक करो, मॉड्यूल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन लोड हो जाएंगे। यहाँ पे लोड हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला जो ऑप्शन है वही, देखो यहाँ पे चैट अलर्ट्स का ऑप्शन है, तो इसको आपको ऑन कर देना है, या बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इसको आपको ऑन कर देना है। सिंपली ऑन कर दिया आप लोगों ने, ऑन करने के बाद यहाँ पे एक बार आप क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करने के बाद आपको पूरे ऑप्शंस भी दिखाई दे देंगे कि यहाँ पे सब्सक्राइबर अलर्ट्स को ऑन यहाँ पे इनेबल्ड है, ये भी आप चेक कर लो, अगर इनेबल्ड नहीं है तो यहाँ पे सब्सक्राइबर अलर्ट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे इनेबल करके रखो। मैसेज क्या आएगा यहाँ पे, आप मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वो अंडर करली ब्रैकेट यूजर लिखा हुआ है, मतलब उस यूजर का नाम रहेगा वो, कि जो भी सब्सक्राइब करेगा उस यूजर का नाम रहेगा, तो वहां पे करली ब्रैकेट यूजर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टिप्स वगैरह का, मतलब जो भी सुपर चैट वगैरह का, मेंबरशिप कोई ज्वाइन करेगा तो ये मैसेज लिख के आएगा, ये सारी चीजों को देख लो आप इनेबल है या नहीं, यहाँ पे ऑन कर दो सारी चीजों को, ताकि ये सारी चीजें की जो अलर्ट्स है वो आपके चैट में है। बस सिंपल चैट अलर्ट्स को ऊपर से ऑन कर लिया आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके, इतना कर लिया, वापस से 3 डॉट्स पे क्लिक करो एक बार, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वापस से एक बार डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ना आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे आपको ज्वाइन चैनल का बटन दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका जो बॉट है वो अभी आपके चैनल से ज्वाइन नहीं है, तो इसको आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन चैनल पे क्लिक करना है, ज्वाइन चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि studio.youtube.com की वेबसाइट पे जाओ और इसको एज अ मॉडरेटर ऐड करो, मतलब ये जो हमारा स्ट्रीम एलिमेंट्स का जो बॉट है इसको एज अ मॉडरेटर ऐड करना है। तो ये वाली जो लिंक है ना नीचे youtube.com/streamelements वाली, इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, और अपने ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है आपको। नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है studio.youtube.com, ठीक है, studio.youtube.com डालना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे भी आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है, उसी चैनल से लॉगिन करना है जिसके ऊपर आप लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, जिसके ऊपर आप लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चैनल से मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को नीचे देखो, यहाँ पे एकदम नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है,
एकदम नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये सेटिंग का जो गियर आइकन होता है वो दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा लोड होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कम्युनिटी पे, लास्ट सेकंड जो ऑप्शन है, कम्युनिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर मॉडरेटर्स वाला जो ऑप्शन रहता है वहां पे आपको स्ट्रीम एलिमेंट्स को एज अ मॉडरेटर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, मैं आपके सामने फिर से करके दिखा देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिंक आपने कॉपी किया ना वहां से वही लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो लिंक को पेस्ट कर दिया। लिंक को पेस्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे स्ट्रीम एलिमेंट्स का नाम आना चाहिए। अभी आ नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा ना, बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई वो नाम ही नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, जो आपने लिंक ऐड किया उसके एंड में जाओ, खाली एक लेटर को हटाओ, एस को हटाओ और मैन्युअली एस टाइप कर दो वहाँ पे। ठीक है, टाइप कर दिया, अब देखो नीचे आ रहा है या नहीं। ये देखो आगे स्ट्रीम एलिमेंट्स का नाम नीचे, अब वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया और स्ट्रीम एलिमेंट का जो बॉट है वो देखो ये यहाँ पे एज अ मॉडरेटर ऐड हो गया और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव कर दिया आप लोगों ने, सिंपल। सेव करने के बाद अब कुछ नहीं, अब आपका सारा सेटअप जो है वो हो चुका है। अब आप लोग लाइव जा सकते हो किसी भी ऐप से और कभी भी लाइव जाओ आप, किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से आपके जो चैट रहेगी उसके अंदर अलर्ट्स आएगा। और एक चीज और, ये सारी सेटअप करने के बाद ना जब भी आप लाइव जाओगे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये तुरंत नहीं आता आपकी लाइव स्ट्रीम पे, उसको 4-5 मिनट टाइम लग जाता है आने के लिए। और आपकी लाइव स्ट्रीम पब्लिक रहना चाहिए, ये सारी टेस्टिंग आप अनलिस्टेड या प्राइवेट लाइव स्ट्रीम पे मत करना। जब आप पब्लिक लाइव स्ट्रीम करो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तभी वो बॉट जो है आपकी चैट में आएगा स्ट्रीम एलिमेंट्स का। और जब भी वो आपकी चैट में आएगा तो वहां पे लिख के आता है स्ट्रीम एलिमेंट्स बॉट इज रनिंग, तो वो आ जाएगा जब आपके चैनल में, तभी आपको अलर्ट्स वगैरह दिखाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेना, नहीं तो पता चला आप 2 मिनट की लाइव स्ट्रीम करके परेशान हो जाते हो कि बॉट क्यों नहीं आ रहा है, बॉट क्यों नहीं आ रहा है। और ऐड आपने सब कर दिया, बिंदास लाइव स्ट्रीम करो, जब अलर्ट आना रहेगा आपकी चैट में आएगा। ठीक है, तो गाइस बस इतना था यार आज की इस वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी पूरी वीडियो, सारी स्टेप्स, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करते रहो।